जेंग गाइस जेंग। सीने में तर तर पॉली हो गया है पतंग को पॉली। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक टू माई वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंड आज मेरे पापा का बर्थडे भी है तो आप लोग भी मेरे पापा को कमेंट में विश कर देना। और गाइज मैं हो गई हूँ अभी रेडी। मैंने पहना है ये कुछ वैसे तो घर में ही व्लॉग बनना है इंडिपेंडेंस डे। छत पे थोड़े फुल ऑन मजे करेंगे अभी तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही सिंपल सा पहन लेती हूँ तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। और मैंने मेकअप भी नहीं किया है बिकॉज नहीं जाना कहीं पे भी, घर में ही रहना इसलिए। तो आज हम करेंगे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट एंड इंडिपेंडेंस डे के लिए जो भी होता है ना फुल पतंगबाजी करेंगे आज। या तो ऑलरेडी छत पे पहुँच चुकी है, अभी हम लोग भी जाएंगे एंड अभी अमन भी आ रहा है। सो जो जो भी आगे होगा आप लोग देखना। गाइस अमन आ चुका है। हाय जैन गाइस जैन गाइस वंदे मातरम। यस गाइस चलो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस अभी अमन और साक्षी पापा के लिए केक लेने के लिए गए हैं और रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मुझे ना नींद आ रही है। जबकि मैं लेट उठी थी, 12 बजे उठी थी, फिर भी मुझे नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ जब तक वो आएंगे ना मतलब मैं 10-20 मिनट की नैप ले लेती हूँ फिर मिलती हूँ। अभी हम लोग छत पर भी जाएंगे, अभी छत पर ना धूप हो रही है तो फिर मैंने सोचा जब थोड़ी धूप चले जाएगी ना तभी जाएंगे। मेरे पापा का बर्थडे है, हम केक लेने के लिए आए हैं अमन और मैं। टाइम बताया भी नहीं, उस पर चल करीब ही नहीं है। मैंने पूछा नहीं था तुझसे, तू बता दे। हमारे बिल्कुल घर के बाहर लगी हुई थी। क्या करना यार, बढ़िया लेके आता सब कुछ। गाइस अभी टाइम हो चुका है, गाइस अभी टाइम हो चुका है 7 और इसकी इसकी हालत एक बार आप देख सकते हो, पसीने में तर तर आप देख सकते हो। और ये लड़की सुबह 12 बजे से छत पे है और 12 बजे से छत पे, पापा भी बोल रहे सुबह से पतंगबाजी में, 12 बजे से छत पे और अभी 7 बज गए, मतलब कंटिन्यू ये पतंग उड़ाई जा रही है। मैं 2-3 बार इसको बीच में बुलाना है, भाई नीचे चल ले खा पी ले कुछ, आई ब्रेक लेने के लिए, खाया पिया और वापस ऊपर। जहाँ पे मेरा पहले घर था ना वहाँ पे तो सब अपनी छतों पे रहते थे और सब म्यूजिक वगैरह चलते रहते थे, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही सन्नाटा है, लगी नहीं रहा। आज इंडिपेंडेंस डे देखना एकदम शांति। गाइस अमन पतंग उड़ा रहा है, आती है पतंग उड़ानी आती है। चलो तो उड़ा दो यार, फिर क्यों इतनी बातें करनी। गाइस अगर मैं अभी उड़ाने पे आई ना 2 मिनट में उड़ जाएगी मेरी पतंग। अरे भैया ये पन्नी वाला दो यार। चलो मैं उड़ाऊँ, क्या हेल्प चाहिए किसी को मेरी? पर पहले मंजा तो पकड़ना सीख लो। मंजा मंजा मंजा, मैंने सोचा था कि ना मैं वो भी लेकर आऊंगी अपना बूम बॉक्स। गाइस हमारी बिल्डिंग के और भी लोग हैं छत पे वहाँ पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, अजीब सा लगता है ना। उनकी पतंग उड़ी जाए थोड़ी सी। अमन ना मुझे बोल रहा था कि अनु मैं ना मतलब काफी सारी पतंग और मांजा वांजा ले आऊंगा। मैंने बोला कि मम्मी ले आई, मुझे नहीं पता था कि 20 पतंग कम होती है, मुझे लगा कि भाई 20 पतंग बहुत रही। मम्मी 20 ले आई थी और उसके साथ मम्मी वो भी ले आई थी मांझा। अब अमन बोल रहा है, कह रहा है यार ये पतंगे नहीं होती, ये मांझा नहीं होता, फनाना नहीं होता, डिमका नहीं होता। तो मुझे अब भाई मेरे को पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं क्या ही बताती। मुझे लगा कि भाई आ गई बहुत है, 20 पतंग कितनी उड़ाएंगी, बट मैं गलत थी। अमन अभी मुझे बोल रहा है 1% हवा नहीं चल रही, 1% दो ही पतंग उड़ रही है। गाइस एक वो और एक वहाँ पे, पॉली हो गया है पतंग को पॉली। और गाइस यार ना कन्ने बहुत गंदे बांधे हैं, मन बोल रहा है कि कन्ने की बात नहीं है, पतंग ऐसी गद्दी सी, गद्दी सी बोलती, गद्दी सी। ये देखिए
तोड़ दो ये वाली उड़ाओ। भाई तो मन इतनी देर से ट्राई कर रहा है बट हवा नहीं चल रही तो उसकी वजह से उड़ नहीं पा रही। तो मन खेल कर रहा है पता नहीं क्यों पटाखे फोड़ रहा है। क्या हो गया अरे छोड़ो यार क्यों मेहनत करनी। एक झटका भी आया ना चलो मैं मारती हूँ हवा नहीं चल रही थी तो अमन ने हार मान ली। अमन बोल रहा मैं उड़ा ही नहीं रहा छोड़। अब जिया ने ले लिए ये पतंग और जिया की फ्रेंड प्रगति। यहाँ पे ना इतना कुछ हो भी नहीं रहा तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा उड़ाने का। मतलब सारे चारों तरफ तो सन्नाटा है ना। बताओ बताओ तृप्ति तो गाइस अभी केक कट कर लिया है पापा का और ना पापा को फोटो क्लिक कराने की ज्यादा हो रही थी। पापा ना वीडियो में ध्यान कम दे रहे थे। पापा को लग रहा था कि व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है ना तो वो भी फोटो क्लिक हो रही है तो पापा ना ऐसे ध्यान से ज्यादा देख रहे थे। और जो पापा का बर्थडे गिफ्ट है वो आज हम लेने जाने वाले तो कल थे बट हम लोग को टाइम नहीं मिला और आज इंडिपेंडेंस डे था तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है सारी जगह पे। तो फिर हमने सोचा कि यार आज भी रहने देते हैं कोई बात नहीं यार गिफ्ट तो मुझे देना ही है। बस पापा गिफ्ट पेंडिंग है थोड़े दिन में मिल जाएगा। मेरे गिफ्ट तुम चारों पांचों मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और मेरा गिफ्ट तो मुझे मिल आएगा। हां आ गया मेरी बहन लाइए ना लाइए इसके लिए सिर्फ चप्पल हवाई चप्पल। हम उनको बहुत हंसी आई थी केक खाने में बाकी अभी बस खाना पीना खाएंगे एंड मम्मी ने बनाए हैं आज दही भल्ले। क्या बनाया सची दही भल्ले चल बल्ले नहीं होता दही भल्ले होता है भल्ले क्या बनाया दही भल्ले। तो अभी हम खाएंगे दही भल्ले एंड यस ज्यादा डार्क सर्कल दिख रहा है मेरे क्यों। सो यार गाइज अभी हमने खाना पीना खा लिया है। मैंने बनाया था राजमा चावल और जैसे मैंने बताया था दही भल्ले भी बनाए थे मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाए। मैंने वो टेक नहीं लिया खाने पीने का और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा ऐसे उबासी आ रही है। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि बस सो जाऊं। गाइज बस एक ही व्लॉग बचा है। कल जो व्लॉग आएगा वो लास्ट व्लॉग रहेगा 365 डेज का एंड थोड़ा सा चलो कल ये सब बातें कल ही कर ली। बाकी अभी अमन भी जा रहा है बिकॉज अमन को कल आगरा निकलना है शूट के लिए जा रहा है तो वो भी अभी जाएगा। और गाइज जो मैं बता रही थी ना आपको दो तीन दिन पहले जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था कि मेरे सर में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है पता नहीं क्यों। और ऐसे नहीं हो रहा कि मेरे आप लोग सोच रहे हो कि मैं शर्मा रही हूँ बता नहीं रही हूँ झूठ बोल रही हूँ ऐसे करके कि झूठ तो नहीं हो रही। गाइज ना तो जू हो रही मेरे सर में ना ही मेरे सर में डैंड्रफ हो रहा है। और मैं मम्मी से मतलब दिन में 3-4 बार दिखवा चुकी हूँ कि भाई देखो मतलब हो क्या रही है प्रॉब्लम क्या हो रही है। मम्मी बोल रही है भाई कुछ नहीं हो रहा तेरा सर एकदम साफ हो रहा है मतलब साफ चिट्टा पड़ा है कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं हो रही जैसे तू सोच रही है। मैं सोच रही हूँ बट फिर मेरे को ईचिंग क्यों हो रही गाइस इतनी बुरी ईचिंग हो रही है ना। मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब सर खुजाया जाए मतलब इतनी गंदी वाली। तो अभी साक्षी को मैंने आज अभी केमिस्ट पे भेजा था तो साक्षी लेकर आई है एक शैम्पू। उन्होंने बोला है कि वो ईचिंग के लिए ही है ऐसे कभी कभी हो जाता है।
आप वो यूज़ करना तो उससे ठीक हो जाएगा। तो आज मैं ऑयलिंग करूँगी, कल सर दूँगी एंड तो देखती हूँ उससे आराम आता है कि नहीं। जा रहा है, बाय गाइस। अभी अमन भी चला गया है एंड उसको भी टाटा बाय बाय बोल दिया है। ये इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, होप करती हूँ वीडियो आपको मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। चल दिन, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़।